कहाँ ले जा रहे हैं सर आप? कहाँ ले जा रहे हैं सर आप इन लोगों को? कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों सर जबरदस्ती क्यों? सर जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, कहाँ ले जा रहे हैं सर, जवाब दीजिए। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में दो भूमिकाएं काम करती हैं, एक वहां की आम जनता और दूसरा आर्मी। आम जनता अपने द्वारा लाए गए चुने गए प्रतिनिधि को सीएम या पीएम बनाता है, जबकि आर्मी हमारी बाह्य खतरों से सुरक्षा करती है। ऐसे में उसी आर्मी की प्रिपरेशन करने वाले लड़के या नौजवान जब प्रोटेस्ट में उतर जाएं, तो यह राष्ट्र के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है और सरकार के समक्ष इनकी समस्या का समाधान ये कैसे करेंगे। यार दिल्ली पुलिस में ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो जा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं स्टूडेंट को, ये मतलब इनको डर नहीं लगता थोड़ा सा कि यही बच्चे आगे चल के क्या करें, कहीं मिल जाएंगे रास्ते वो भी कर भाई। आप सम्मान तो करो स्टूडेंटों का यार, कैसे कर रहे हो यार, क्या है सर? एकदम पोजीशन बहुत खराब है युवाओं को, महामारी में बिहार और बंगाल पूरा देश जा चुका है, बिहार और बंगाल में चुनाव कोरोना महामारी में हो जाती है, लेकिन हम तो के साथ कभी भर्ती नहीं करती है टाइम से, टाइम से भर्ती निकलती भी है तो वहाँ पे निरस्त कर दिया जाता है कि ये वो करके, लेकिन ये नेता विधायक सब है, केंद्रीय मंत्री सब है, लेकिन ये लोग कभी भी संसद में नहीं करते हैं कि युवाओं का हमारे देश के भविष्य है, आगे चल के कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, उसके साथ कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। आप ही बताइए, एक साधारण परिवार के घर के बच्चे अगर प्रिंसिपल एकेडमी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छा से आप 4-5 साल बर्बाद कर रहे हैं, उसका घर पे उसका दीदी का शादी नहीं होता है, बहुत लोग का बूढ़े बाप है, बहुत लोगों का घर नहीं बना होता है, किसान के छोड़कर माई बाप छोड़कर कि जाएगा बेटा वहाँ पे तैयारी करेगा तो 2 साल लगेगा, 1 साल में मतलब उसका नौकरी पूरा हो जाएगी, तो मतलब जो अच्छा से शादी या आर्थिक स्थिति वहाँ पे मतलब अच्छा से हो जाएगी, लेकिन ये लोग ऐसे हालत बना दिए हैं। मान लीजिए एक प्रधान चाहे ब्लॉक प्रमुख चाहे विधायक या संसद केंद्रीय मंत्री अगर एक बार जीत जाता है तो उसकी पूरी 2-3-4 पीढ़ी आराम से कमाती है खाती है, लेकिन यहाँ पे एक नौकरी पाने के लिए 30-40 हज़ार रुपया कमाने के लिए 5-7 साल इतना मेहनत करना पड़ता है, फिर भी नौकरी नहीं मिलती। 3 साल से अगर कोई तैयारी करता है, आप समझ सकते हैं कि 3 साल की मेहनत क्या होती है, 3 साल से लगातार तैयारी करना, अपनी मोटिवेशन को बनाए रखना उस फील्ड में, ये सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है मुझे लगता है। और 3 साल में अगर आपकी वैकेंसी नहीं आती और आप फेल नहीं कर पाते हैं और रिजल्ट नहीं आता उस चीज का, तो मुझे लगता है आपका मनोबल भी टूट जाता है, इन लोगों का मनोबल तो वैकेंसी नहीं आ रही उससे तो टूटा ही है, सरकार भी लोगों का मनोबल टूट रही है कि नहीं है? गालियां दे दी जा रही है लोगों को, पीएम सीएम पता नहीं अपने आपको क्या समझते, मैं बताना चाहूंगा भाई, हमने ही बनाया आपको, आपको ये जनरल ये जो यहाँ पे स्टूडेंट है इन्होंने ही बनाया है आपको, आगे आपको समझना बहुत जरूरी है सर। जब चुनाव आता है उसमें जो है ये नेता अपना रिजल्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर लाते हैं, हमारा रिजल्ट जो है वो अपना 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चाहते हैं, अब ये स्टूडेंट के रिजल्ट दे ही नहीं रहे, अपने रिजल्ट पे आप इतना फोकस करते हैं सर, उनके रिजल्ट पे फोकस करिए ना, इनके रिजल्ट तो दीजिए ना भाई, वैकेंसी तो लाइए 3 साल से कहाँ रखें वैकेंसी नहीं है, मेडिकल और फिजिकल फिट हूँ 16 महीना से, हम लोग का 2020 में फरवरी को हुआ था मेडिकल और फिजिकल हुआ, बोला रिटर्न टेस्ट 40 दिन के अंदर बार बार। आप कहाँ ले जा रहे सर? कहाँ ले जा रहे सर आप? कहाँ ले जा रहे सर आप इन लोगों को? कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों सर जबरदस्ती क्यों? सर जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, कहाँ ले जा रहे हैं सर, जवाब दीजिए।
कहाँ ले जा रहे हैं आप? तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश की सरकार है काफी पूर्वक इन लोगों को लेके जा रही है, शांति से आंदोलन भी नहीं करने दे रही है, जबरदस्ती उन्हें पकड़ कर उनके गले को पकड़ कर गले को सीधा जा रहा है। वहाँ पे अगर एक मोदी के बारे में उसको गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, चाहूंगा देश चलाने नहीं आ रहा, तब तक जिएगा तब तक उसको पेंशन मिलेगी, बिजनेसमैन के टाइप चला रहे हैं और मोबाइल होता है जनता का एक सीधा चला जाएगा। आप इसका हिसाब से देश नहीं चला रहे, ये बिजनेसमैन बिजनेस के हिसाब से हर चीज में राजनीति खेल रहे, इसका एंड बहुत बुरा होगा आने वाला, बहुत बुरा होगा आपका भविष्य, हमारा भविष्य, आने वाला बच्चे का पीढ़ी खराब कर रहा है। आप क्या करते हैं? सर मैं तो मजदूर आदमी हूँ, आपकी पीढ़ी खराब कर रहे कर दे आज, मैं काम के लिए मजदूरी भी कुछ भी नहीं कर, मजदूरी आज 2000 की हमारे घर की मतलब वो है खर्चा है, अब 500 रुपया हमें मिल रहा है, हम 1500 कहाँ से पूरा करेंगे? हमारी इज्जत खानदान से मैं हूँ, अगर मेरे माँ बहन कमाने में ही बचता वो कैसे पूरा करेंगे खर्चा, ये बताओ। चलिए अच्छा बनाए, हमने भी बहुत मोदी जी को भी हमने दुआएं दिया कि चलो अच्छा बनाएगा जी, मगर नहीं, जब से ज्यादा तबाही तबाही, मतलब परेशान मजदूर चौक पर खड़ा रहता हूँ, काम नहीं मिलता। आपने इनकी बातें सुनी, सोचने वाली बात ये है कि कुछ दिनों पहले द कश्मीर फाइल्स एक मूवी आती है जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी में एक हिंदू भाई भी बॉर्डर पर शहीद होता है हमारे लिए और एक मुस्लिम भाई भी बॉर्डर पर शहीद होता है। सही सवाल ये है, क्या सच में हिंदू और मुस्लिम की एकता पर सवाल उठाना चाहिए? ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है, मैं आपको एक एग्जांपल और कहावत के माध्यम से समझाना चाहूंगा जो हमारे बाबा और दादाजी कहा करते थे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। इसके दो सलूशन हैं, या तो उस मछली को पकड़ के आप उसको निकाल लो ताकि सारी मछलियां भी बची रहे और तालाब का पानी भी स्वच्छ रहे, दूसरा सलूशन यह है कि उस मछली के साथ सारी मछलियों को मार दो और तालाब के पानी को भी सुखा दो क्योंकि वो गंदा हो चुका है, लेकिन इससे आपका ही लॉस होगा क्योंकि आपके पास खाने के लिए मछली नहीं होगी और पीने के लिए पानी नहीं होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए और इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिए, साथ ही साथ हमें लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, मैं शिवम पांडे कैमरामैन शिवम चौहान के साथ सरल भारत न्यूज से।